बहुत सारे स्टार्स थे, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे, जोमेटो स्टोरी के ऊपर जोमेटो बॉय को डिलीवर करने की बॉय को काफ़ी सपोर्ट किया है, पर चोपड़ा ने भी कहा है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो आपका व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे। मेरा भी यही कहना है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आई मीन जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं खुद हूँ ऐसी एक बंदी हूँ जो स्विगी और जोमेटो से खाना ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, एंड आई एक्चुअली सी देम वर्क वेरी हार्ड। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इट्स अ स्टोरी विच इज़ बीन मेड अप, एंड आई रियली फील फॉर द डिलीवरी गाय। आई मीन हो सकता है वो खाली वो एक ही जरिया हो उसका ब्रेड अर्निंग का। इस 21st सेंचुरी में भी कितनी मतलब इस तरीके से लड़कियाँ कितना फ़ायदा उठा रही है लॉज का और गलत इल्ज़ाम लगा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर इतना ज़्यादा बात करते हैं हम लोग के फेमिनिज्म फेमिनिज्म, द थिंग इज़ दैट हमेशा यही नहीं होता, हमेशा लड़की सही नहीं होती, बहुत सारी जगहों पे लड़कियाँ भी गलत हो सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट यू नो समबड़ी हुज हायर एंड समबड़ी हुज लोअर, इट्स अबाउट दैट इज़ व्हाट इक्वालिटी इज़, इट इज़ अबाउट ट्रीटिंग बोथ ऑफ देम बोथ द जेंडर्स इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर स्टेटस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन दैट दे आर। मतलब इमीडिएटली जजमेंट पे नहीं उतर जाना चाहिए, उसको उसका बैकवर्क भी करना बहुत जरूरी है। एक जोमेटो वाला एक केस हुआ है जी, जहाँ पे लड़की बोल रही है कि उसे जोमेटो गाय ने उसे मारा है एंड जोमेटो के एग्जीक्यूटिव ने उस लड़की का कहना सुना और सुनकर जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, करेक्ट? लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि लड़की हमेशा सही होती है और लड़का हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जोमेटो के एग्जीक्यूटिव को जो उन्होंने जो लड़की है, क्या नाम है उनका, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हाँ, तो उनका उनकी कहानी सुनकर उनका बयान सुनकर उन्होंने सबसे पहले जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। अब ये देखना है कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो सच्चाई बाहर आ गई है या बहुत जल्द आने वाली है, और दोनों पक्ष की बातें हमने सुनी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस किसके पक्ष में न्याय देती है। एंड सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वो जो जख्म हुआ है लड़की के नाक पर वो उन्हीं के फिंगर रिंग से हुआ है। अब यू नो इस बात का खुलासा हो अच्छी तरह से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि असल में आरोपी है कौन, क्या यहाँ पर पीड़िता खुद आरोपी है या मामला कुछ और है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा नारी जो है वही सही होती है और पुरुष जो है वो हमेशा गलत होता है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही रूढ़ीवादी सोच है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्रिमिटिव सोच है। मैं ये स्टीरियोटाइप सोच है, मैं इस सोच को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं केवल ये कहती हूँ कि उन महिलाओं को हमें यू नो बढ़ावा देना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गई हैं। शायद कोई ऐसा अनुभव रहा होगा उनका जिसके वजह से वो पीड़ित हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और वो हम कहाँ से ला कर दें उन्हें जब हमारे खुद के अंदर यू नो इस तरह की भावनाएं ना हो, तो हम क्या ऑफर कर सकते हैं आगे वाले को। तो मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमारा हृदय परिवर्तन हो, इस समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव आए। तो आज के टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना। जोमेटो का वीडियो जोमेटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं, बट खैर नहीं ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। औरतों का सम्मान होना चाहिए, आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है। तो अभी कहते हैं ना ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो, क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है यार। सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट यू। शर्लिन, आपसे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होती है, आपको कौन इंस्पायर करता है आपकी लाइफ? मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं मेडिटेशन करती हूँ हर सवेरे, आजकल मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ, मैं चाहूँगी कि और जल्दी उठूँ। तो उठकर जब एकांत में बैठती हूँ बहुत अच्छा लगता है, एंड एक खुद को मैं शक्तिशाली महसूस करती हूँ एकांत में बैठकर। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल होना, कुदरत की ताकत के साथ जुड़ना। Being a film actress, social media influencer भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये अवार्ड किस रीजन से मिला, being an actress और being an influencer?
मुझे लगता है ये अवार्ड मुझे दिया गया निडर होकर अपनी बात को सामने रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ खुलासे किए थे और मुझे लगता है कि बात यहाँ पर सिर्फ खुलासे करने की नहीं है। हमें आमतौर पर डर लगता है ये सोचकर कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया तो समाज क्या कहेगी मेरे बारे में या क्या मुझे इंडस्ट्री में काम मिलेगा। मैंने अभी पिछले साल की बात है, ये मैंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंस के ख़िलाफ़ हूँ। और उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे यू नो इतना डेयरिंग नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसके बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इस तरह उनके खिलाफ जाकर स्टैंड लेना शायद यू नो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं नुकसान और फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या माल का सेवन करना अच्छा होता है सेहत के लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने 2017 अक्टूबर में धूम्रपान करना छोड़ दिया, मैंने मार्च 2020 में शराब पीना छोड़ दिया और मैं चाहती हूँ कि युवा ये अच्छी तरह जान ले समझ ले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं और जिन्हें हम आदर्श मानते हैं वो डिप्रेशन के नारे लगाकर माल का सेवन करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं देश की युवा के लिए? नहीं, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्या मतलब क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आप खुलकर उनसे कहो कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। आई मीन हमें लगता है नहीं बस यू नो फिल्में करो, अवार्ड्स जीतो, एंडोर्समेंट्स करो, पैसा कमाओ, बस लाइफ सेट है। नहीं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।